की बात करें जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं और भी राज्यों में हो रहे, मगर मणिपुर को इक्के और लिया जा रहा है। देखिए मणिपुर में और पूर्वोत्तर में काफ़ी मंदिर जलाए गए, मार के कूट के पीट के ईसाई आतंकवादियों के बंदूक के नोक पर लोगों को ईसाई बना गया। कहते हैं कि लालच से ईसाई बने, कोई लालच से ईसाई नहीं बनता, कोई अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ता है, किंतु बताया जा रहा है कि पैसे के लालच देकर हम तो ईसाई बना रहे हैं इनको, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। जितने भी जहाँ भी ईसाइयत फैल रही है वहाँ पहले नक्सलवादी जाते हैं, आतंकवादी जाते हैं, चाहे नागालैंड के आतंकवादी हो, चाहे लालडेगा आतंकवादी हो, जिसका लाल थंग वाला जो मिजोरम से हिंदुओं को मार मार के भगा रहा है, ये सब आतंकवादी गिरोह पहले काम करते हैं, उसके बाद लोगों को ईसाई बनाया जाता है। किंतु इस बार आज तक हुआ, कब हिंदुओं को ईसाई बना दिया गया पूरे देश को पता नहीं चला, कब मंदिरों में आग लगा दी पूरे देश को पता, किंतु इस बार जब मंदिरों में आग लगाई गई तो 250 चर्च में आग लगा दी गई, इसलिए सब तिलमिला गए। सोनिया गांधी तिलमिला रही है, केजरीवाल तिलमिला रहा है, ये सब केजरीवाल हिंदू नहीं है, ये तो मदर टेरेसा के यहाँ गाय का मांस खा के ईसाई बनाए, तो वहाँ हिंदुओं को ईसाई बना रहा था, ये पूरा गिरोह तिलमिला रहा है। लालू भालू जितने भी लोग हैं सब इसलिए तिला रहे हैं, सब CIA फंडिंग से पैसा खाते हैं, और CIA कहती है कि तुम ये करो। ये कोई नेता नहीं है, जितने भी ये आज हमारे लोकसभा को विघ्न डाला जा रहा है, राज्यसभा में विघ्न डाला जा रहा है, पूरा गैंग, पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग जो इसको कहते हैं, इसमें नौकर साहब भी हैं, बहुत बड़े वकील भी हैं, राजेंद्र केजरीवाल जैसे, प्रशांत भूषण जैसे लोग हैं, ये सब इंदिरा जयसिंह, ये सब पूरा गैंग, ये सब तिल मिला कर बैठा है, और पूरी फंडिंग हो रही है इस काम के लिए। पूरा मीडिया को भी बहुत बड़े जो विज्ञापन केजरीवाल दे रहा है, विज्ञापन की वजह में कहा जाता है भाई मैं तुम्हें विज्ञापन दे रहा, किंतु किस शर्त पे, बोले तुम मुझे दिखाओगे। तो आज की प्रेस वार्ता से किसको क्या संदेश दे? हमारा यही संदेश है, और ख़ासतौर से हिंदुओं को, जितने भी ईसाई आतंकवादियों के जितने भी अड्डे हैं, चाहे वो चर्च हो, चाहे स्कूल चला रहे हो, चाहे अनाथालय चला रहे हो, जहाँ बच्चों को बिंदी लगाने प्रतिबंध है, कलावा पहनने प्रतिबंध है, इन सबका पूरा बहिष्कार करें, मैं ताल लगवा दें, बस पूरा अपनी ताकत दिखाएं पूरी, जैसे 1857 में आपने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था, अब उसी युद्ध का समय आ गया है। आज की प्रेस वार्ता को लेकर क्या संदेश देना चाहते? हमारा आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से भारत सरकार से, मणिपुर सरकार से, और हमारे देश की जो न्यायपालिका है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनसे ये अनुरोध है, उनको हम कहना चाहते हैं कि मणिपुर में ईसाई मशीनरियों का जो आतंक चल रहा है, जो मैताई हमारे वहाँ का एक हिंदू समाज है जिसने ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं किया, उनको वहाँ से दौड़ाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उनके साथ ऐसा व्यवहार, वहाँ की जो ईसाई मशीनरियाँ हैं, उनके गुंडे हैं, उनके बदमाश हैं, वो लोग कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा का इंतजाम हमारी सरकारें करें, और जो वहाँ पर हफ्ता वसूली वहाँ ईसाई मशीनरियाँ कर रही हैं, रोक लगे। वहाँ जो विदेशों से फंड आ रहे हैं जिसका दुरुपयोग करके लोगों को जबरदस्ती बहला के, फुसला के, ललचा के धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, उसके ऊपर रोक लगे, और मणिपुर भी हमारे देश का एक प्रमुख भाग है, उसके ऊपर अगर वहाँ के हिंदुओं के ऊपर कोई आँच आती है, वो आँच हम समझते हैं पूरे देश के हिंदुओं पे है। मुन्ना जी क्या कहेंगे, जिस तरह मणिपुर की घटना हो या अन्य राज्यों की घटना हो, आज एक प्रेस वार्ता यहाँ पे रखी गई थी हिंदू महासभा में। देखिए मणिपुर में जो मैतेई हिंदुओं की हत्या हो रही है वह तुरंत रुकना चाहिए, और वो बर्दाश्त से बाहर है, उसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हम ये मांग करते हैं कि जो ये अन्याय मैतेई हिंदुओं के साथ हो रहा है, मैतेई महिलाओं के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, वह तुरंत रुकना चाहिए। केंद्र सरकार और मणिपुर के राज्य सरकार से हमारी मांग है कि जो आतंकवादी ग्रुप है और इन आतंकवादी ग्रुप्स को जो वहाँ की ईसाई मिशनरी सपोर्ट कर रही है, वो उस पर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जो हत्याएं और ये आतंक है वो तुरंत रुकना चाहिए। हमारी तीसरी मांग है कि जो आतंकवादी जो मैतेई हिंदुओं के साथ अन्याय कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं, और उनको जो ईसाई मिशनरियां और बाहरी ताकतें सपोर्ट कर रही है, वो तुरंत रुकना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उनको जेल में बंद करना चाहिए, और ऐसी जो संस्थाएं हैं उस पर बैन लगना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं श्रीकांत सिंह,
अखिल भारतीय हिंदू महासभा दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष, मैं लोगों का से यही संदेश देना चाहूँगा कि आज जितनी भी एजेंसियाँ लगी हुई हैं मणिपुर के पीछे, कोई मीडिया में दिखा रहा है तो कोई उनका साथ दे रहा है तो कोई बच्चों पर अत्याचार कर रहा है, ये सारे काम जल्द से जल्द रुकना चाहिए। ना तो मैं दिल्ली से ये बात आह्वान करूँगा कि एक भी बच्चा चुप नहीं रहेगा और हम इसके खिलाफ जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। आपको याद होगा किसी ने कहा था कि जब सड़कें आवारा हो जाती है, सड़कें जब सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। शायद आपको वो दिन देखने को आज मिल रहा है। सभी लोग अहिंसा के रास्तों पर चलना शुरू कर दिए और आज हमारे साथ वही हो रहा है जो विगत दिनों कश्मीर में हुआ। आप अगर अखंड भारत का नक्शा अगर देखेंगे तो जैसे पार्ट वाइज करके कभी हमने उज्बेकिस्तान छोड़ा, तुर्किस्तान छोड़ा, पाकिस्तान छोड़ा, बांग्लादेश छोड़ा, आज बंगाल को भी उसी रास्ते पर आपने ला दिया, आज मणिपुर को भी उसी रास्ते पर ला दिया, तो क्या हम धीरे धीरे सिमटते जाएंगे? तो हम जो बात अपेक्षा लोगों से कर रहे हैं कि सरकार ये काम क्यों नहीं कर रही है, तो मैं लोगों से आह्वान करता हूँ जो काम समाज का है वो सरकार से उपेक्षा रखने की जरूरत नहीं है। समाज को सड़कों पर आना पड़ेगा इसके खिलाफ और तब जाके हिंसा रुकेगी। ठीक।